सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अब हमारे चैनल पे हमने अभी तक एक भी TWS का रिव्यू नहीं किया है, एंड आज हम इस वाली वीडियो में रिव्यू करेंगे एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाले उनके इन्फिनिटी ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का, जो कि यार आपको 2000 रुपए में देखने मिल जाएगा, एंड काफी ज्यादा कमाल की वीडियो होने वाली है। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा कमाल का निकलेगा, तो आज हम इसी का रिव्यू करने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। आप फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप लोग अभी के टाइम पे भी पायरेटेड विंडोज यूज करते हो ना, तो ये काफी ज्यादा रिस्की चीज है, एंड अभी के टाइम पे आपको यार विंडोज की कीज काफी ज्यादा चीप प्राइजेस से मिल जाती है। फ्रॉम VIP कीज आप लोग यहां से बाई कर सकते हो, ओनली 650 रुपीज में आपको यहां पे OEM कीज देखने मिल जाती है, एंड साथ ही साथ में 1100 रुपए में आपको रिटेल कीज देखने मिल जाती है, जो कि यार काफी ज्यादा सस्ती प्राइस है। एंड साथ ही साथ में अगर आप यहां पे हमारा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है TC350, तो आप लोगों को एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इनकी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां से जाके परचेस कर सकते हो। वैसे तो गाइज मुझे अनबॉक्सिंग करने में यानी डब्बा खोलने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता, बट यार वीडियो का वॉच टाइम बढ़ाना है तो डब्बा तो खोलना बनता ही है। तो गाइज ये रहा एंटी स्पोर्ट्स इन्फिनिटी का बॉक्स, एंड यहाँ पे बॉक्स के ऊपर इन्होंने कुछ चीजें मेंशन की है जो कि फटाफट से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको 13mm के ड्राइवर्स देखने मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको गेम मोड इसके अंदर देखने मिल जाता है, साथ ही साथ में यहाँ पे आपको ड्यूअल माइक्रोफोन भी देखने मिल जाता है। पीछे की तरफ भी थोड़ा बहुत डिटेल्स है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। ईयरबड्स के अंदर आपको गाइज 50mAh की बैटरी देखने मिल जाती है, एंड साथ ही साथ में जो चार्जिंग केस मिलता है उसके अंदर आप लोगों को 300mAh की बैटरी देखने मिल जाती है। साथ ही साथ में ये नॉइस कैंसिलेशन ईयरबड्स है, एंड यहाँ पे आप लोगों को वाटरप्रूफ भी देखने मिल जाता है ये, तो यार काफी अच्छी चीज है, एंड ये लो लेटेंसी के साथ आता है, तो हम लोग यार इसके ऊपर गेमिंग वेमिंग भी करके देखेंगे। साथ ही साथ में टच कंट्रोल भी दिया गया है, एंड काफी सारी कमाल की चीजें हैं। सो गाइस टेक्निकल डिटेल्स हमने काफी ज्यादा देख लिया, फटाफट से देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें हमको देखने मिलती है। यहाँ पे बॉक्स के अंदर सबसे पहले आप लोगों को एक एंटी स्पोर्ट्स का पैम्पलेट देखने मिल जाता है, जिसको हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पे हमको वारंटी कार्ड एंड साथ ही साथ में मैनुअल भी देखने मिल जाता है, जिसको हमने भाई ना कभी पढ़ा है ना ही हम इस बार पढ़ने वाले हैं। इसको भी हम फिलहाल साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे ये रहा बॉक्स, एंड बॉक्स के अंदर पैकिंग तो यार इन्होंने काफी अच्छी खासी कर रखी है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये USB-C टाइप केबल देखने मिल जाती है, जो कि चार्जिंग केबल है, एंड इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ पे हमको कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स भी देखने मिल जाते हैं, ईयर कप्स, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो बाद में। एंड गाइस फाइनली यहाँ पे ये रहा हमारा ईयरबड, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट। इस डब्बे के अंदर, इस छुटकू से डब्बे के अंदर आपको मिल जाते हैं ये दो प्यारे प्यारे से ईयरबड्स, जो कि एकदम भाई वायरलेस है। एंड ट्रस्ट मी, फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो भाई मुझे देखने में काफी ज्यादा पसंद लगे, यूनिक लगे यार। वो मिलिट्री वाला डिजाइन आपको देखने मिल जाता है, थोड़ा सा ब्लैक एंड ग्रीन टाइप का यहाँ पे आपको कलर कॉम्बिनेशन देखने मिल जाता है, तो थोड़ा सा मिलिट्री टाइप डिजाइन लगा। ओवरऑल एंटी स्पोर्ट्स ने भाई पहली बार कोई TWS बनाया है, एंड डिजाइन भाई कमाल की है, मतलब पहले ट्राई में ही मजा आया, एंड कंफर्टेबल भी काफी ज्यादा है। इनफैक्ट आप इनको एक बार ऐसे कान में पहन लेते हो ना, तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे रबड़ाइज मटेरियल देखने मिल जाते हैं, जिनकी वजह से ये आपके कान में भाई ऐसे अटक से जाते हैं, एंड उसके बाद यार आप चाहे जिम कर लो, नाच लो, कूद लो, जुम्बा कर लो, ये ईयरबड्स भाई बिल्कुल भी गिरने वाले नहीं है, अपनी जगह से ये बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। इनफैक्ट इन वाले ईयरबड्स को मैं यार 2-3 दिन से अपने जिम में भी लेके जा रहा हूँ, एंड पहले मैं ब्लूटूथ वाला हेडफोन लेके जाता था जिम, बट यार जब से ये वाले ईयरबड मेरे पास आए हैं ना, तो मैं 2-3 दिन से इनको लेके जा रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी यार, इन TWS ने हमारे हेडफोन भाई साहब को रिप्लेस कर दिया, उनको भेज दिया है छुट्टी पे, एंड फिलहाल वो छुट्टी मना रहे हैं, एंड अभी के लिए हम यूज कर रहे हैं ये वाले TWS ईयरबड्स। अब यार एक TWS से एक आम आदमी क्या क्या एक्सपेक्ट करता है, नॉर्मली यार बैटरी बैकअप अच्छा खासा मिल जाए, आवाज अच्छी खासी मिल जाए, मतलब साउंड क्वालिटी अच्छी हो, माइक की जो क्वालिटी वो भी अच्छी हो, ताकि यार कॉल्स वॉल्स अटेंड करने हो तो वो भी आप आसानी से कर सको। अब यहाँ पे ये ईयरबड्स तीनों काम आपका आसानी से करवा देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। अब साउंड क्वालिटी वॉइस तो भाई साहब मजा ही आ गया, मतलब जो बेस आपको ये ऑफर करवाते हैं ना, लगा ही नहीं था कि भाई इतने छोटे से पैकेज में इतना बड़ा आपको बेस देखने मिलेगा, मतलब बूम बाम हो जाता है भाई, मजा आ जाता है यार। गाने वाने सुन के आपको बेस वाले गाने फुल वॉल्यूम पे आप सुनोगे तो भी ऐसा नहीं लगेगा कि जो साउंड है ना वो फट रहा है एकदम, मतलब बेस ही साउंड आपको यहाँ पे मिलता है। इसके अंदर आपको ट्रिबल भी ऑन पॉइंट देखने मिल जाता है, एंड जो वोकल्स है ना वो भी यार एकदम ऑन पॉइंट है, तो भाई साउंड क्वालिटी के लिए तो एकदम थम्स अप है, इसको आप आराम से कंसिडर कर सकते हो। फिर चाहे आपको गाने सुनने हो या फिर आपको देखनी हो मूवीज, ये ईयरबड्स आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। अब साउंड क्वालिटी के बाद गाइस आ जाती है कॉल्स की बात। अब यहाँ पे अगर आप इन वाले ईयरबड्स के साथ कॉल वॉल अटेंड करना चाहते हो, कभी कभी क्या होता है हम ड्राइव कर रहे होते हैं एंड सडनली यार बीच में कॉल आ जाता है, अब आपको या तो बाइक रोक के आपको कॉल उठाना पड़ेगा, या फिर अगर आपके पास ऐसे ईयरबड्स रहेंगे तो आप सिंगल टैप पे अपने कॉल को रिसीव कर सकते हो, साथ ही साथ में बाइक चलाते चलाते आप आराम से यार कॉल अटेंड कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। हालांकि
यहाँ पे बाइक चलाते चलाते कॉल अटेंड ना करो भाई, क्योंकि अगर आप मरोगे तो उसमें हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी। सो गाइस यहाँ पे हमने साउंड टेस्टिंग कर ली, माइक टेस्टिंग कर ली, अब बचा है हमारा गेमिंग। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करो और मैं जाता हूँ फटाफट से इनके साथ यार गेमिंग टेस्टिंग भी करके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। इन वाले ईयरबड्स को लगा के हमने दबा के यार गेमिंग भी करी है। एंड यहाँ पे ये वाले जो ईयरबड्स है इसके अंदर आपको एक गेम मोड भी देखने मिल जाता है। आप यहाँ पे 3 बार टैप करते हो तो ये वाले जो ईयरबड्स है गेम मोड में चले जाएंगे। एंड तब जो आपको लेटेंसी है वो काफी कम देखने मिलती है। एंड ये वाले ईयरबड्स अगर आप प्रो गेमर होना तब मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा, इतनी अच्छी आपको यहाँ पे लेटेंसी देखने नहीं मिलती है। बट फिर भी एक बार गेम मोड में जाने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार जो रिस्पांस है वो थोड़ा सा लेट आपको पता चल रहा है। नॉर्मली आपको हल्की फुल्की गेमिंग करनी है, कॉल अटेंड करने हैं, मूवीज देखनी है, गाने वाने सुनने हैं, तो भाई इन सभी कामों के लिए ये वाले जो ईयरबड्स है आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। अब लास्ट में जो हमारा मेन फैक्टर आ जाता है वो ये है कि भाई बैटरी बैकअप कैसा देता है। तो देखो सीन ऐसा है कि यार बाइक में एवरेज और ईयरबड्स में बैटरी बैकअप, ये दो चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे ये वाले जो ईयरबड्स है इसके अंदर आपको 50-50 एमएएच की छुटकू सी बैटरी देखने मिल जाती है। तो नॉर्मली अगर आप कंटिन्यू गाने वाने सुनते हो तो इनमें आपको 2 से 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है। एंड इतना ही नहीं, ये जो आपको डब्बा देखने मिलता है, ये छुटकू सा जो डब्बा है ना, ये पावर बैंक का काम करता है। इसके अंदर आप जैसे ही इन ईयरबड्स को रखते हो ये ऑटोमेटिकली भाई चार्ज होने लगते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटी सी लाइट जलती हुई नजर आएगी तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगेंगे ये वाले ईयरबड्स। एंड ये जो पावर बैंक है इसके अंदर 300 एमएच की आपको बैटरी देखने मिल जाती है। तो इन वाले ईयरबड्स को आप 3 से 4 बार आराम से यार चार्ज करके फुल यूज कर सकते हो। इन शॉर्ट आसान भाषा में बताऊं तो टोटल आपको यहाँ पे 8 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप देखने मिल जाता है, जो कि प्राइस को कंसिडर करो तो भाई एकदम इनसेन है। एंड बैटरी बैकअप की बात चल ही रही है तो यहाँ पे एक बार जब ये फुल डिस्चार्ज हो जाएगा तो इस वाले पावर बैंक को आप चार्ज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट देखने मिल जाता है जिसकी मदद से आप आराम से इसको चार्ज कर सकते हो। एंड यार काफी ज्यादा छुटकू सा पोर्टेबल डब्बा है, आप इसको कहीं पे भी लेके अपने पॉकेट में रख के जा सकते हो एंड मस्त यार गाने वाने सुन सकते हो, लॉनलीनेस आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देगा ये। सो गाइस फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो यार एंटी स्पोर्ट्स वाले ने पहले बार में ही चौका मारा है। हालांकि ये लोग छक्का भी मार सकते थे थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा प्राइस लेके लेटेंसी और भी कम कर सकते थे एंड थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट बन सकता था ये। बाकी अगर आप लोग 2500 के आसपास खर्चा करते हो तो आपको थोड़ा सा और बेहतर ईयरबड्स मिल जाएगा। मार्केट में और भी ऑप्शंस हैं बट ये वाले जो ईयरबड्स है ना मेरे हिसाब से यार 2000 रुपये में आपको एक बढ़िया ओवरऑल पैकेज ऑफर करवा देते हैं। मतलब सब कुछ मिक्स करके आपको एक बढ़िया सा प्रोडक्ट मिल जाता है। यहाँ पे ओवरऑल आपको गाने सुनने हो, मूवीज देखनी हो, कॉल अटेंड करने हो, गेमिंग करनी हो, सब कुछ ये ईयरबड्स आपको करवा देंगे। एंड 2000 रुपये में आप डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हो। बाकी अगर आप इसको खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप खरीद लेना, उससे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जाएगा। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एक लाइक यार आपका मोटिवेट करता है हमें ऐसी वीडियोस बनाते रहने के लिए। मैं जब मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।